राजनीतिक घमासान के बीच सचिन पायलट के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे गोविंद सिंह डोटासरा के कुछ बयानों पर इस खास रिपोर्ट के जरिए हम प्रकाश डालेंगे। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कहते हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं, वो लोग भी बाड़ेबंदी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि हम जो बात कह रहे थे कि ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी इसलिए हुई है क्योंकि भाजपा के स्वाभिमानी लोग जो उनके चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बहुमत वाली सरकार को आप क्यों गिराना चाहते हैं। डोटासरा कहते हैं, पहले प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी सरकार गिराने में नाकामयाब रहे, अब उनकी दूसरी कोशिश भी असफल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो रहा है। अलोकतांत्रिक तरीके से जो षड्यंत्र रचा कर पैसों से सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उसके खिलाफ भाजपा के अपने नेता ही खड़े हो गए हैं। अगर कांग्रेस के सिंबल पर जीता सुबह का भूला शाम को घर आता है, उसे भूला नहीं कहा जाता। अब उनके विवेक के ऊपर कि वो क्या फैसला लेते हैं। हमने अपनी पार्टी के किसी विधायक को निकालने की पहल नहीं की। अगर कोई भाजपा की मेहमान नवाजी में बैठकर बात करना चाहे तो यह असंभव है। आलाकमान के दरवाजे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के लिए हमेशा खुले हैं। जो फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, हमें वो फैसला हर रूप में मंजूर होगा। गोविंद सिंह डोटासरा कड़े शब्दों में कहते हैं, राजस्थान में बीजेपी का डिवाइड एंड रूल प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। राज्य में अजय माखन के आने से सत्ता और संगठन का तालमेल बेहतर हो पाएगा। गहलोत वर्सेस पायलट के घमासान के बाद एक बड़ा बदलाव राजस्थान की राजनीति में किया गया है। आप सब जानते हैं, अविनाश पांडे की जगह राजस्थान में प्रभारी के तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए अजय माखन की नियुक्ति की गई है, जिस पर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, अजय माखन का लंबा अनुभव प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के काम आएगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।